नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूँ आपके साथ शिवम। बिहार विधान परिषद के सभागार में आज शाहबाद महोत्सव को लेकर एक बैठक बुलाई गई थी। आपको बता दें कि इस बैठक में कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह के साथ साथ जितने भी दलों के विधायक और विधान पार्षद थे वो मौजूद थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि शाहबाद महोत्सव को लेकर एक अहम बैठक की गई थी। इसी को लेकर जब आज हमने कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह के साथ साथ शाहबाद महोत्सव के संयोजक अखिलेश कुमार से बात की तो उन दोनों लोगों का क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। फैसला नहीं लिया गया है, हम लोग बैठे हैं शाहबाद के सभी जनप्रतिनिधि और सबको शाहबाद से लगाव है, उस धरती से लगाव है। हम लोग चाहते हैं कि उसका विकास हो हर एक क्षेत्र में, और खास करके आज हम लोग ये कर रहे थे, इसकी चर्चा कर रहे थे कि पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ही वहाँ पर इसका भविष्य है। पर्यटन के विकास अगर किया जाए तो वहाँ पर लोग जाएंगे और देखेंगे, बहुत सी चीज़ें हैं, हर एक तरह की चीज़ें हैं, धार्मिक महत्व है, सामरिक महत्व की चीज़ें हैं और सब तरह का है। तो इसको इस पर जब तक हम लोग देखेंगे नहीं, जब तक सब लोग अपना उस पर आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक उसका महत्व नहीं होगा। तो इसी के लिए हम लोग विभिन्न के चारों जिला में जो भी समझते हो, चारों जिला के सब हम लोग जितने जनप्रतिनिधि हैं वो आज बैठ करके इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। आज बहुत से पार्टी, बहुत सी कमेटी उमिटी का मीटिंग है, इसलिए सभी लोग, तभी मोस्टली सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं, उसी का विचार विमर्श हुआ। अगले बैठक में हम लोग इसको विशेष रूप से और विस्तृत रूप से इस पर चर्चा करेंगे, और इसके बाद हम लोग एक मुख्यमंत्री से भी हम लोग चाहेंगे कि मिले इस पर, और पर्यटन मंत्री से भी हम लोग मिले, और हर एक क्षेत्र में विकास की संभावना, वहाँ कृषि के क्षेत्र में भी तो बहुत संभावना है, तो इसको भी विकास के लिए आधुनिक खेती कैसे हो इस पर भी हम लोग करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। लेकिन आज एक शुरुआत, इसके पहले भी हम लोग मीटिंग किए थे और शाहबाद महोत्सव की शुरुआत हो गई है, उसके लिए सरकार से पैसा भी 10 लाख रुपया मिला है, नवीना बनवासी केंद्र बनवासी महोत्सव के लिए मिला है, तो उसी तरह से शाहबाद महोत्सव के लिए भी पैसा मिलेगा, उसके लिए हम लोग करेंगे और अपने अपने सदन में इस बात को उठाएंगे भी, ताकि ध्यान आकृष्ट हो सरकार का और सरकार की भी इस महत्व को समझे कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर चाहते, क्या काम करना चाहते हैं, क्या महत्व है, और इससे बिहार के विकास में भी चार चांद लगेगा। धन्यवाद। जी हाँ, आज बैठक हुई है, बैठक का आयोजन जो है शाहबाद महोत्सव आयोजन समिति के पहल पर किया गया है माननीय सभापति महोदय के अध्यक्षता में, और सुखद संयोग है कि शाहबाद के सारे दलों के विधायक एक साथ जुट करके और पक्ष विपक्ष सब लोग शाहबाद के विकास के लिए आवाज़ उठाने के लिए आज संकल्प हुए, और इसके लिए ये बहुत सुखद संयोग है। जो हमारे यहाँ जैसे आपका शाहबाद जो है चार जिला, पहले था रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर, और इसका इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा है, ऐतिहासिक महत्वपूर्ण स्थल भी है, धार्मिक स्थल भी है, सांस्कृतिक स्थल भी है, और देश की स्वतंत्रता में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो यहाँ पर्यटन स्थल विकसित करने के लिए और यहाँ के कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक सामूहिक प्रयास हो, इसके लिए आज मंथन हुआ और इसके सकारात्मक परिणाम जरूर आएंगे, हम लोगों को ऐसा लग रहा है। तो आपने साफ तौर पर सुना कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह के साथ साथ संयोजक अखिलेश कुमार का कहना है कि शाहबाद महोत्सव को लेकर जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं, ऐसे में एक बैठक की गई थी और सरकार इस पर ध्यान दे इसको लेकर भी इस बैठक में निर्णय लिए गए हैं। बहरहाल बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।